सुप्रभात बच्चों, कक्षा एक हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 15। बच्चों, पाठ 15 है होली। तो हम कल कर रहे थे पाठ 15 होली। तो बच्चों, पाठ 15 में कल हमने पढ़ा था, हमारा आखिरी अभ्यास जो हमने कल किया था वो था जिसके नाम उसके काम। तो यहाँ पे चित्र दिए गए हैं, चित्रों को देख करके हमने दिए गए चित्रों में कर रहे इंसान या आदमी के नामों को, कामों को देख करके उसके नाम को पहचाना था। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पे जो पहला चित्र है उसमें आदमी कपड़े धो रहा है, इसलिए उसके काम से हमने उसे पहचाना कि वह एक धोबी है। तो जो कपड़े धोता है बच्चों, उसे हम धोबी कहते हैं। तो यहाँ पे जो कपड़े धोने का काम करता है उसे हम धोबी कहते हैं। यहाँ पे आदमी कपड़ा धो रहा है, इससे उसके काम से हमने पहचाना कि वह एक धोबी है और हमने लिखा धोबी। उसके बाद दूसरा चित्र था डाकिया का। बच्चों, डाकिया डाक लाता है, यानी पत्र लाता है, चिट्ठी लाता है, संदेशा लाता है, इसलिए हम इसे डाकिया कहते हैं। और चिट्ठी पत्री को हम डाक कहते हैं। तो ये डाक द्वारा लाता है चिट्ठी पत्री या फिर संदेशा, इसलिए हम इसे डाकिया कहते हैं, ड से डाकिया। उसके बाद डाकिया डाक लाने का काम करता है, इसलिए उसका नाम पड़ा डाकिया। किसान का आप देख सकते हैं, किसान है, खेत में खड़ा है, उसके हाथ में हसिया है, हसिया से वह अपने फसल को काटता है, जिस फसल को वो उगाता है उसको काटता है, जब फसल बड़ी हो जाती है, पक जाती है, तो उसे काटता है, इसलिए वो हसिया का प्रयोग करता है। तो बच्चों, ये कौन है, ये फसल को उगाने और काटने का काम करता है, फसल उगाता है जिससे हम सब खाना खाते हैं, जिससे हमारे घर में खाना बन पाता है, इसलिए हम इसे किसान कहते हैं। किसान वह व्यक्ति होता है जो फसल उगाने का काम करता है। उसके बाद बच्चों, यहाँ पे अगला चित्र है माली का। माली बच्चों, माली का काम होता है पेड़ों की, चाहे फल के पेड़ हो और या फूल के पेड़ हो, उनकी देखभाल करना, उनको समय समय पे पानी देना, सिंचाई करना या फिर उन्हें पर दवाओं का छिड़काव करना, तो वो पेड़ पौधों या बगीचे की निगरानी करता है, देखभाल करता है, इसलिए हम उसे माली कहते हैं। उसका काम है, वो माली का काम करता है, इसलिए हम उसे माली कहते हैं। उसके बाद चौथा चित्र था बढ़ई का। बढ़ई का मतलब वह व्यक्ति जो कि लकड़ी के सामान बनाता है, तो जो लकड़ी के सामान बनाता है उसे हम बढ़ई कहते हैं। तो यहाँ पे हमने बढ़ई लिखा। उसके बाद वह व्यक्ति जो जूते चप्पल को सीता है, यानी टूटे हुए जूते चप्पलों को सीने का काम करता है, उसे हम मोची कहते हैं। तो हमारे जूते चप्पल अगर कभी टूट जाते हैं तो आप किसके पास जाते हैं बच्चों, आप मोची के पास जाते हैं, जिसे इंग्लिश में हम कॉबलर भी कहते हैं। तो यहाँ पे मोची हमारे जूते चप्पल को सीता है, फिर हम उसे दोबारा पहन पाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों, ये उन व्यक्तियों के नाम हैं और जो जिस काम को करता है उस काम को हमने पहचान करके उन सभी व्यक्तियों के नाम को यहाँ पे लिखा है। और नाम भी आपको नीचे दिए हुए हैं, यहाँ पे नीचे एक बॉक्स है पीले रंग का जिसमें नाम दिए हैं, हमें सिर्फ ऊपर से लेकर के नीचे लिखना है। तो इस तरह से बच्चों, ये हो गए जिनके काम, उनके नाम। अब इनको हम अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे। तो चलिए, अपनी अपनी क्लास वर्क कॉपी निकालिए, डेट डालिए और लिखना शुरू करिए। तो यहाँ पे बच्चों, हमारा आज का पहला अभ्यास है जिसमें हम इन सभी के नाम लिखेंगे। पहले तो हम वाक्य लिखेंगे इनके काम के हिसाब से। तो कौन क्या करता है, नाम लिखो। तो यहाँ पे हमारा आज का अभ्यास है कौन, क पे औ की मात्रा, कौन, कौन क्या करता, क र त पे आ की मात्रा ता है, कौन क्या करता है। प्रश्न है कौन क्या करता है, फिर है क्वेश्चन मार्क, नाम, न पे आ की मात्रा नाम, ल पे छुट्टी की मात्रा ली, ख पे ओ की मात्रा खो। हमें इनके नाम को पहचान करके इनके नाम लिखना है। तो चलिए नाम लिखते हैं। पहला है प्रश्न हमारा कौन क्या करता है, यहाँ पे कौन क्या करता है नाम लिखो, कौन क्या करता है नाम लिखो। उसके बाद बच्चों हमारे पास पहला है कपड़े धोने वाला। पहला है क प र पे ए की मात्रा रे, कपड़े, ध पे ओ की मात्रा धो, न पे ए की मात्रा धोने,
व पे आखिरी मात्रा वा, ल पे आखिरी मात्रा ला। कपड़े धोने वाला, वह व्यक्ति जो कपड़े धोता है उसे हला है। कपड़े धोने वाला, कपड़े धोने वाला जो कपड़े धोता है उसे हम कपड़े धोने वाला कहते हैं। और नाम उसका होता है धोबी। ध धापे ओ की मात्रा, व पे बड़ी की मात्रा, बी धोबी। कपड़े धोने वाला जो कपड़े धोता है उसे हम धोबी कहते हैं। तो यहाँ प्रश्न है हमारा, कौन क्या करता है? कपड़े धोने वाला धोबी। उसके बाद दूसरा है, दूसरे में हमारे पास है खेती करने वाला। जो खेती करता है उसे हम क्या कहते हैं? खेती। ख खे त पे बड़ी की मात्रा ती, क र न पे ए की मात्रा ने, व पे आ की मात्रा वा, ला। खेती करने वाला जो खेती करता है उसे हम क्या कहते हैं? किसान। व पे छोटी की मात्रा, स पे आ की मात्रा, न किसान। जो खेती करता है उसे हम किसान कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है लकड़ी का सामान बनाने वाला। लकड़ी तीन पे हमारे पास है ल क ड़ी। लकड़ी का प पे आ की मात्रा का, सा मा न सामान, ब ना ने लकड़ी का सामान बनाने वाला। जो लकड़ी का सामान बनाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बढ़ई कहते हैं। जो लकड़ी का सामान बनाता है उसे हम बढ़ई कहते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे लकड़ी का क पे आ की मात्रा का, सा मा न सामान, ब ना ने बनाने। और उसके बाद हम वही लिख लेते हैं वाला। व पे आ की मात्रा वा, ल पे आ की मात्रा ला। लकड़ी का सामान बनाने वाला, जो लकड़ी का सामान बनाता है उसे हम कहते हैं बढ़ई। बड़ी की मात्रा बढ़ई। जो लकड़ी का सामान बनाता है उसे हम बढ़ई कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है पत्र लाने वाला। चार में हम लिखेंगे पत्र, प और त्र। पत्र ल पे आ की मात्रा ला, न पर ए की मात्रा लाने, व पर आ की मात्रा वा, ल पर आ की मात्रा ला। पत्र लाने वाला जो पत्र लाता है उसे हम क्या कहते हैं? जो पत्र लाता है उसे हम कहते हैं डाकिया। द द पर आ की मात्रा, क पे छोटी की मात्रा, य पर आ की मात्रा, डाकिया। जो पत्र लाने का काम करता है उसे हम कहते हैं डाकिया, डाकिया। उसके बाद हमारे पास है बगीचे की, पांच है ब, ब और ग पे बड़ी की मात्रा, च पर एक की मात्रा चे। बगीचे की देखभाल, द पे एक ही मात्रा, ख देख भाल, ब पे आ की मात्रा, देख भाल। करने 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 वाला वाला। बगीचे की देखभाल करने वाला, जो बगीचे की देखभाल करता है उसे हम माली कहते हैं। मा ल पे बड़ी की मात्रा ली, माली। जो बगीचे की देखभाल करता है उसे हम माली कहते हैं। बगीचे की देखभाल करने वाला यानी कि माली, जो बगीचे की देखभाल करता है उसे हम माली कहते हैं। तो बगीचे की देखभाल करने वाला माली। उसके बाद आखिरी है जूते बनाने वाला। छह पे हम लिखेंगे ज पे बड़े की मात्रा जूते, ब न पे आ की मात्रा नाने वाला, व न पे आ की मात्रा ला। जूते बनाने वाला, जूते बनाने वाले को हम कहते हैं मो, च पे बड़े की मात्रा ची, मोची। तो बच्चों इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा पहला अभ्यास आज का था कौन क्या करता है। नाम लिखो, कौन क्या करता है नाम लिखो। तो यहाँ पे जो काम के हिसाब से हम नाम लिखेंगे, तो यहाँ पे कपड़े धोने वाला जो कपड़े धोता है उसे हम धोबी कहते हैं। आप देख सकते हैं कि जो कपड़े धोता है उसे हम धोबी कहते हैं, तो हमने यहाँ पे धोबी लिखा। खेती करने वाला, खेती करने वाले को हम किसान कहते हैं। जो खेती करता है
फसल उगाता है उसे हम किसान कहते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे किसान, लकड़ी का सामान बनाने वाला, जो लकड़ी का सामान बनाता है उसे हम बढ़ई कहते हैं, बढ़ई, बढ़ई, जो लकड़ी का सामान बनाता है उसे हम बढ़ई कहते हैं। उसके बाद लकड़ी पत्र लाने वाला, जो पत्र लाता है उसे हम डाकिया कहते हैं, जो डाक से पत्र लाता है उसे हम डाकिया कहते हैं, यानी डाक लाने वाला डाकिया, तो पत्र लाने वाला डाकिया। बगीचे की देखभाल करने वाला, जो बगीचे की देखभाल करता है उसे हम माली कहते हैं, जो बगीचे की देखभाल करता है उसे हम माली कहते हैं। उसके बाद जूते बनाने वाला मोची कहलाता है, जो जूते बनाता है उसे हम मोची कहते हैं। तो बच्चों ये था हमारा पहला अभ्यास। अब इस पाठ में अगला हमारा अभ्यास है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो यहाँ पे हम बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि पाठ से है उसे यहाँ लिखेंगे और उसे पढ़ेंगे, समझेंगे, और आप अपने क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे। तो बच्चों इसे भी आप अपने क्लास वर्क कॉपी में करेंगे, इस कार्य को भी आप अपने क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे। तो लिख लीजिए, फिर हम आगे का अभ्यास करते हैं। अगला अभ्यास है बहुविकल्पीय प्रश्न। बच्चों मुझे उम्मीद आप सभी ने लिख लिया होगा या फिर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए हम आज का अगला अभ्यास करते हैं। तो यहाँ पे हमने काम के हिसाब से नाम लिखे और मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गए होंगे। तो चलिए हम अपना अगला अभ्यास करते हैं। अगले अभ्यास में बच्चों है बहुविकल्पीय प्रश्न। यहाँ पे सही उत्तर के सामने सही का निशान लगा। तो यहाँ हम लिखेंगे सही, स की बड़ी की मात्रा, सही, सही, फिर है हमारे पास सही उत्तर, उत्तर के पे एक ही मात्रा, के सा म न पर एक ही मात्रा, ने, सही उत्तर के सामने सही का निशान, ल ग पे आपकी मात्रा, गा ओ, सही उत्तर के सामने टिक लगाओ। अब आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे जो भी प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को हम पढ़ेंगे, उसके नीचे जो भी विकल्प दिए हैं उनमें से जो सही विकल्प है उसके सामने सही का निशान लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों पहला है किसने, किसने ढोल बजाया। पहला प्रश्न हमारा है प्रश्न क, क में हम लिखेंगे किसने, क में हम लिखेंगे किसने ढोल की, स न पर ए की मात्रा, ने ढोल, ढ पे ओ की मात्रा, ढो, ल ढोल, ब जा या ढो, ढोल ब जाया, इसने ढोल ब जाया। तो यहाँ पे हम प्रश्न चिन्ह लगाएंगे क्योंकि प्रश्न है। अब विकल्प में हमारे पास बच्चों तीन विकल्प है। पहला विकल्प है भानु, भ, भ पे आ की मात्रा, भा, ल पे बड़े की मात्रा, लू, भालू। दूसरा विकल्प है म, म पे ओ की मात्रा, मोर। दूसरा विकल्प है मोर। और तीसरा विकल्प है च, क पे ओ की मात्रा, को, और र, चकोर। तो यहाँ पे हमारे पास तीन विकल्प है, भालू, मोर, चकोर। तो बच्चों किसने ढोल बजाया था, पाठ में किसने ढोल बजाया था, हम सभी जानते हैं बच्चों पाठ में भालू ने ढोल बजाया था, इसलिए हम भालू के आगे सही का निशान लगाएंगे। ये है भालू, भालू के आगे हम सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास है प्रश्न ख, ख में हमारे पास है, ख में हमारे पास है सब किसकी तैयारी कर चुके थे, सब किसकी तैयारी कर चुके थे। तो हम यहाँ लिखेंगे सब, सब किसकी, क पे छोटी की मात्रा, स, क पे बड़ी की मात्रा, किसकी, त पे ए की मात्रा, त, या, र पे बड़ी की मात्रा, री, क, र, कर, चुके, च पे छोटी की मात्रा, छु, क पे ए की मात्रा, के, ख पे ए की मात्रा, थे, सब किसकी तैयारी कर चुके थे। यह भी एक प्रश्न है, इसलिए हमने प्रश्न चिन्ह लगाया। और पहला विकल्प यहाँ पे हमारे पास है दशहरा, दशहरा, दशहरा। उसके बाद दूसरा विकल्प हमारे पास है दिवाली, द पे छोटी की मात्रा, वा, ल पे बड़ी की मात्रा, ली, दिवाली, ल
या फिर होली। हो लव पे बड़ी की मात्रा ली। सब किसकी तैयारी कर चुके थे? सब दशहरा, दिवाली या होली, किसकी तैयारी कर चुके थे? सब होली की तैयारी कर चुके थे। क्यों बच्चों? क्योंकि पाठ में हमने होली के त्यौहार के बारे में पढ़ा और पाठ में सबने होली की तैयारी कर चुकी थी। यानी जब हमने पाठ को पढ़ना शुरू किया तो हमने जाना कि आज होली का दिन है और जितने भी पशु पक्षी यहाँ पे थे उनमें से कुछ ने होली की तैयारी पहले से कर चुकी थी। तो वहाँ दूसरी पंक्ति पाठ का हमारा था कि सबने होली की तैयारी कर चुकी है। तो यहाँ पे हम होली के सामने सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास है तीन में हमारे पास है ग। ग में हमारे पास है ग है बच्चों, सब ने एक दूसरे, सबने एक दूसरे होली की तैयारी कर चुके थे, इसलिए हमने होली के आगे सही का निशान लगाया। उसके बाद बच्चों आप देख सकते हो तीसरा है सबने एक दूसरे को क्या लगाया। सबने ग में हम लिखेंगे स ब न पे एक की मात्रा ने एक एक दूसरे ल पे बड़े की मात्रा स रे दूसरे को क्या लगाया। तो बच्चों सबने एक दूसरे को क्या लगाया था? लगाया, सबने एक दूसरे को क्या लगाया। तो यहाँ पे प्रश्न है सबने एक दूसरे को क्या लगाया। अब पहले विकल्प में आप देख सकते हैं बच्चों, पहले विकल्प में हमारे पास है रंग, र पे बिंदी और ग रंग। उसके बाद हमारे पास है गुलाल, ग पे छोटे की मात्रा, ल पे आ की मात्रा और ल गुलाल। उसके बाद हमारे पास है प पे आ की मात्रा पानी। अगर आपने पाठ पढ़ा है तो आपने एक वाक्य पढ़ा होगा सबने एक दूसरे को गुलाल लगाया। तो यहाँ पे रंग नहीं दिया है, पानी नहीं दिया है, बल्कि गुलाल दिया है। तो सबने एक दूसरे को रंग लगाया, तो रंग गुलाल के आगे सबने एक दूसरे को गुलाल लगाया, तो हम गुलाल के आगे सही का निशान लगाएंगे। तो बच्चों सबने एक दूसरे को क्या लगाया? सबने एक दूसरे को गुलाल लगाया, तो हम यहाँ गुलाल लिखेंगे। उसके बाद घ पे बच्चों, घ में हम लिखेंगे, चलिए पहले इन तीनों को हम पढ़ लेते हैं फिर मिटा करके आगे का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमारा क है किसने ढोल बजाया, किसने ढोल बजाया, भालू मोर चकोर, भालू मोर चकोर किसने ढोल बजाया। तो बच्चों पाठ हमने पढ़ा और हमने पाठ में पढ़ा था कि भालू ने ढोल बजाया था, इसलिए हमने भालू के आगे सही का निशान लगाया। किसने ढोल बजाया था? भालू ने ढोल बजाया था, इसलिए हमने भालू के आगे सही का निशान लगाया। उसके बाद सब किसकी तैयारी कर चुके थे? सब किसकी तैयारी कर चुके थे? तो बच्चों सब होली की तैयारी कर चुके थे। पाठ में सब होली का त्यौहार था, होली का पाठ है, इसमें होली का त्यौहार मनाया जाता गया है, इसलिए हम देखेंगे सबने होली की तैयारी कर चुके थे। उसके बाद ग में हमारे पास है सब ने एक दूसरे को क्या लगाया। तो पाठ में बच्चों आपको मैं पंक्ति भी बताती हूँ, आप देख सकते हो तो दूसरे पैराग्राफ में, दूसरे अनुच्छेद में सबने एक दूसरे को गुलाल लगाया था, सबने एक दूसरे को गुलाल लगाया था, इसलिए हमने यहाँ लिखा है सबने एक दूसरे को गुलाल लगाया और गुलाल के आगे हमने सही का निशान लगाया है। तो चलिए बच्चों हम अब करेंगे घ। ये था हमारा ग, अब हम करेंगे घ। ग ग हमने कर लिया, अब हम करेंगे घ। घ में हमारे पास है घ, घ में हमारे पास है घ, घ में हमारे पास है बच्चों आप देख सकते हैं सबने हो गया, भालू ने खरगोश पर कैसा पानी डाला, भ पे आ की मात्रा भा, ल पे बड़े की मात्रा भालू, न पर ए की मात्रा ने, ख र ग पे ओ की मात्रा गो, श खरगोश, भालू ने खरगोश पर कैसा पानी डाला, ग ग पे ए की मात्रा कैसा पानी, ग पर आ की मात्रा पा, न पे बड़ी की मात्रा पानी डा, ल पे आ की मात्रा ला डाला, भालू ने खरगोश
भालू ने खरगोश पर, खरगोश पर न लिखेंगे, न पे की मात्रा ने, ख र ग पे ओ की मात्रा गो, श खरगोश पर कैसा पानी डाला। भालू ने खरगोश पर कैसा पानी डाला था, काला हो गया, हम मिटा के एक बार फिर लिख देते हैं यहाँ पे बच्चों। भालू ने खरगोश पर कैसा पानी डाला था, भालू ने खरगोश ख र ग पे ओ की मात्रा गो और श पर कैसा पानी डाला था। तो हम यहाँ पे विकल्प में लिखेंगे, पहला विकल्प है बच्चों नीला, ल पे बड़ी की मात्रा नी, ल पे आ की मात्रा ला, नीला कैसा पानी डाला, नीला पीला, प पे बड़ी की मात्रा पी, ल पे आ की मात्रा ला, पीला। उसके बाद हमारे पास है हरा, ह र पे आ की मात्रा रा, हरा। तो यहाँ पे भालू ने खरगोश पर कैसा पानी डाला, भालू ने खरगोश पर कैसा पानी डाला था बच्चों, भालू ने खरगोश पर हरा पानी डाला था, इसलिए आप यहाँ पे हरा के आगे सही का निशान लगाएंगे। तो भालू ने खरगोश पर हरा पानी डाला था, इसलिए आप हरा के आगे सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद अगला है, अगला है कौन छिपकर बैठा था। घ के बाद अड़ में आप लिखेंगे, घ पे औ की मात्रा कौन, कौन छिप छुप कर, कौन छुप कर बैठा था, कौन छुप कर नहीं छिप कर बैठा, व पर आ की मात्रा बै, ठ पर आ की मात्रा था, था कौन छिप कर बैठा था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कौन छिप कर बैठा में, हम यहाँ पे लिखेंगे पहला विकल्प है बच्चों, आप देख सकते हो कि पहले विकल्प में हम खरगोश लिखेंगे, उसके बाद चकोर लिखेंगे और उसके बाद शेर। पहले विकल्प में ख र ग पे ओ की मात्रा गो और श खरगोश लिखेंगे, दूसरे में खरगोश, दूसरे में हम लिखेंगे म पे ओ की मात्रा मोर, मोर, और तीसरे में हम लिखेंगे, तीसरा है भालू, भ पर आ की मात्रा भा, ल पे बड़े ओ की मात्रा लू, भालू। अब बच्चों खरगोश मोर भालू कौन छिपकर बैठ, एक मिनट, खरगोश मोर और शेरू, श पे एक की मात्रा शेर, र पे बड़े की मात्रा रू, शेरू। कौन छिपकर बैठा था बच्चों, कौन छिपकर बैठा था, खरगोश मोर और शेरू। हम सभी जानते हैं शेरू छुपकर बैठा हुआ था, और आपने चित्र में भी देखा शेरू जो है गुफे में छुपकर बैठा हुआ है, उसके बाद उसे किसने ढूंढ के निकाला था, मोर ने ढूंढ के निकाला था। तो यहाँ पे हम शेरू के आगे सही का निशान लगाएंगे, कौन छुपकर बैठा था, शेरू छुपकर बैठा था और हम शेरू के आगे सही का निशान लगाएंगे। शेर को किसने खोज निकाला था बच्चों, तो यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है ड के बाद, ड के बाद च में हमारे पास है शेरू, श पे की मात्रा और र पर ऊ की मात्रा, शेरू को किसने, क पे छोटी की मात्रा, स न पे ए की मात्रा, किसने शेरू को किसने ढूंढ, ढ ढक्कन ढ ढूंढ ढूंढ निकाला, ढूंढ निकाला था, शेरू को किसने ढूंढ निकाला था, यह भी प्रश्न है। तो हम प्रश्न चिन्ह लगाएंगे, तो विकल्प में हमारे पास पहला विकल्प है बच्चों तोता, त पे ओ की मात्रा तो, त पे आ की मात्रा ता, तोता। दूसरा विकल्प है, दूसरे विकल्प में हमारे पास है म पे ओ की मात्रा मोर, मोर, और तीसरे में है च ओ र, च त पे ओ की मात्रा को और र चकोर। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि तोता मोर चकोर, शेरू को किसने ढूंढ निकाला था, शेरू को किसने ढूंढ निकाला था, तोता ने, मोर ने या चकोर ने। तो हम सभी ने पाठ पढ़ा है और हम सभी जानते हैं कि शेरू को मोर ने ढूंढ निकाला था, इसलिए वह खूब खुश हुआ और उसके बाद उसको जब सब ने रंग लगाया शेरू को, तो मोर खुश होकर के खूब नाचा। तो यहाँ पे शेरू को किसने ढूंढ निकाला था, शेरू को मोर ने ढूंढ निकाला था, इसलिए हम मोर के आगे सही का निशान लगाएंगे। तो चलिए एक बार हम फिर शुरू करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे घ,
भालू ने खरगोश पर कैसा पानी डाला था? भालू ने खरगोश पर हरा पानी डाला था। तो बच्चों भालू ने खरगोश पर बाल्टी भर हरा पानी डाला था। तो यहाँ पे हमने खरगोश को पढ़ा कि जो भालू था उसने खरगोश पर हरा पानी डाला था, इसलिए हम यहाँ पे हरे के आगे सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद ड है, कौन छिपकर बैठा था? कौन छिपकर बैठा था? खरगोश, मोर, शेरू। कौन छिपकर बैठा था? खरगोश, मोर, शेरू। तो हम सभी जानते हैं पाठ में शेरू छिपकर बैठा था और उसे मोर ने ढूंढ निकाला था। तो यहाँ पे हम शेरू के आगे सही का निशान लगाएंगे। और अगला प्रश्न है, शेरू को किसने ढूंढ निकाला था? शेरू को किसने ढूंढ निकाला था? तोता, मोर, चकोर। अब तोता, मोर, चकोर में मोर ने शेरू को ढूंढ निकाला था, इसलिए हम मोर के आगे सही का निशान लगाएंगे। तो बच्चों इनको भी आप अपनी क्लास बुक कॉपी में लिखेंगे, इनको भी आप अपनी क्लास बुक कॉपी में लिखेंगे। उसके बाद बच्चों हमारे पास अगला हमारा प्रश्न है, हमारे पास अगला प्रश्न है, आप देख सकते हैं इस पाठ के बच्चों अभी हमने वाक्य बनाव नहीं किए थे, तो चलिए वाक्य बनाव करते हैं। तो इस वाक्य इस पाठ में से भी हम कुछ शब्दों को लेंगे और उनसे वाक्य बनाएंगे। तो यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हो यह होली का त्यौहार है, तो सबसे पहला शब्द तो हम होली ही ले सकते हैं। वाक्य बनाओ, वाक्य, वाक्य बनाओ, बनाओ। तो यहाँ पे होली का त्यौहार है, तो पहला शब्द हम ले सकते हैं ह पे ओ की मात्रा ओ, ल पे बड़ी की मात्रा ली। पहला शब्द है होली। अब बच्चों होली में तो हम बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। होली के दिन हम तरह तरह के पकवान बनाते हैं, होली के दिन हम घरों में तरह तरह के पकवान बनाते हैं, होली रंगों का त्यौहार है, होली के दिन हम एक दूसरे के गले मिलते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं। हम होली के बारे में बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे मुख्य चीज होता है होली रंगों का त्यौहार है। तो हम यहाँ वाक्य में लिखेंगे होली, पे ओ की मात्रा हो, ल पे बड़ी की मात्रा होली, रंगों र पे बिंदी, ग पे ओ की मात्रा गो, का त्योहार, त्योहार, त्योहार है होली रंगों का त्यौहार है, होली रंगों का त्यौहार है। तो यहाँ पे हम होली का वाक्य बना रहे हैं और हम लिखेंगे होली रंगों का त्यौहार है। तो यहाँ पे हमने होली का वाक्य बनाया है, इसलिए होली में के नीचे हमने रेखा खींचा है। उसके बाद हमारा दूसरा शब्द हो सकता है बच्चों, पाठ में से और शब्द ले सकते हैं, जैसे कि देखो आपने आपका अगला शब्द हो सकता है है पिचकारी। चलो पिचकारी हमने लिया, पिचकारी, कॉपी छोटी की मात्रा पी, च, क पर आ की मात्रा का री, पिचकारी। पिचकारी से हम एक दूसरे पर रंग डालते हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं हम होली पर पिचकारी से हम एक दूसरे पर रंग डालते हैं। होली, होली पर, पर, पर पिचकारी, पिचकारी से होली पर पिचकारी से सबे एक ही मात्रा हम हम एक दूसरे एक दूसरे दूसरे पर रंग डालते हैं, रंग डा ल टपे की मात्रा ते हैं होली पर एक दूसरे पर हम होली पर पिचकारी से हम एक दूसरे पर रंग डालते हैं। उसके बाद यहाँ पे पाठ में आपने देखा कि होली की तैयारी हो चुकी थी और पूरी टोली शोर मचाती आ रही थी, तो यहाँ शोर का भी हम वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शोर का वाक्य बनाते हैं। शोर, श, तीसरा हमारा शब्द है, श पे ओ की मात्रा शो और र, शोर। तो बच्चों शोर हमें कक्षा में
या फिर कक्षा में हमें शोर नहीं मचाना चाहिए, या हम लिख सकते हैं हमें ह में कक्षा ह कक्षा में शोर शब्दों की मात्रा शोर नहीं न पे बड़ी की मात्रा नहीं मचाना चाहिए चाहिए। वैसे हम बहुत सारे शोर पे वाक्य बना सकते हैं, जैसे कि शोर होली में सब शोर मचाते हुए एक दूसरे को के घर जाते हैं और उन्हें रंग लगाते हैं। होली में टोली बनाकर शोर मचाते हुए घूम घूम कर एक दूसरे पर रंग लगाते हैं, तो हम बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। उसके बाद बच्चों हम यहाँ पे अगला वाक्य बनाएंगे, चार पानी, पा न पे बड़ी की मात्रा पानी, पानी पे हम वाक्य बना सकते हैं पानी जीवन के लिए जरूरी है, या पानी के बिना पानी के बिना जीवन संभव भव नहीं, संभव का मतलब होता है कि भव नहीं, संभव का मतलब वह चीज जिसके संभव का मतलब पॉसिबल, यानी कि पानी के बिना जीवन के बारे में हम सोच ही नहीं सकते, यानी जीवन संभव ही नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे पानी के बिना जीवन संभव नहीं। पानी हम का प्रयोग हम बहुत से काम में कर लाते हैं, पानी के बिना हम या फिर हम देख सकते हैं पानी जीवन के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए संभव थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है आप लोगों के लिए, तो हम लिखते हैं पानी के बिना जीवन, पानी जीवन के लिए, पानी जीवन के लिए बहुत जरूरी है, जीवन 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 के लिए लगे छोटी की मात्रा लिए जरूरी जरूरी है, पानी जीवन के लिए जरूरी है। तो यहाँ पे पानी के नीचे हम अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद पांच पे हम बना सकते हैं, पांचवा हमारा शब्द है समोसे, स मापे की मात्रा मो से समोसे समोसे। अब आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे मुझे समोसे बहुत पसंद है, मेरी माँ बहुत अच्छा समोसा बनाती है, मेरी माँ और अगले वीडियो में हम एक बार फिर मिलेंगे और आगे का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।